हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन स्प्राउट सैलेड। रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए वीडियो पर। तो चलिए अब रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है एक कटोरी साबुत मूंग और एक कटोरी काला चना। इसको एक रात पहले हम भिगोने के रख देंगे और उसका फिर अगले दिन सारा पानी निकाल कर एक कपड़े में रख लेंगे। इधर हमारे स्प्राउट अच्छी तरीके से हो गए हैं तो इसलिए हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। अब गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने स्टार्ट हो जाए तब इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। उसको तेल में ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च। जब लाल मिर्च और जीरा अच्छी तरीके से भुन जाए तब इसमें ऐड कर लेंगे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को अब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तेल में। जब स्प्राउट्स इसमें मिक्स हो जाएंगे तब इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक को इसमें मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी कटोरी पानी जिससे कि दाल और चना अच्छे से गल जाएं और ये सॉफ्ट हो जाए। अब पानी को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको चला लेंगे। यहाँ पर इसको 2 मिनट चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसे भाप में पकने देंगे। एंड आप इसको बीच बीच में चेक करके चलाते रहिएगा जिससे कि ये नीचे से जल ना जाए। अगर आप जिम करते हैं तो आप स्प्राउट्स की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि प्रोटीन इंटेक को बढ़ाता है एंड स्प्राउट्स आर आल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। यहाँ पर हमने जो पानी स्प्राउट्स के अंदर डाला हुआ था वो पानी अब सूख चुका है और दाल भी गलने स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए भाप में पकने के लिए रख देंगे जिससे कि जो थोड़ी सी भी कच्ची होगी दाल तो वो पक जाएगी। इधर दाल बढ़िया से पक गई है भाप में। अब इसको हम एक बोल में सर्व कर लेंगे और स्प्राउट्स के लिए थोड़ी सी कुछ सब्जियां काट लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर, गार्निशिंग के लिए धनिया और टमाटर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे स्प्राउट्स में। सबसे पहले इसमें डाल लेंगे 1-2 चुटकी नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच पुदीना मसाला। आपको इसमें जितनी भी वेजिटेबल ऐड करनी है आप वो कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर और बारीक बारीक कटी हुई बलायती गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्च एंड इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स को। अगर आपको ऐसी रेसिपीज और देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और हर प्लेलिस्ट में अलग अलग रेसिपीज देखने को मिलेंगी आप, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ऐसी सारी वेजिटेबल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें गार्निशिंग के डाल देंगे थोड़ा सा धनिया आधा छोटा चम्मच खटाई पाउडर। अगर आपको इसमें खटाई ऐड नहीं करनी तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर इन दोनों चीज़ों को इसमें मिला लेंगे बढ़िया से।
एंड अब यहाँ पर हमारी तैयार है स्प्राउट स्टार्ट। आप भी स्प्राउट स्टार्ट की रेसिपी घर पर ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि जो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आप पर सबसे पहले आए। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर द वीडियो टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तो फिर गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।